अलर्ट इंडिया न्यूज आज कठुआ के महिला डिग्री कॉलेज में है। आज अध्यापक दिवस है, टीचर डे है। आइए हम जानते हैं कि इन छात्राओं की क्या राय है टीचर डे पर। जी आपका नाम? मेरा नाम सोनाली अंदोत्रा है, मैं विमेंस कॉलेज से हूँ। जैसे कि आज सब जानते हैं कि आज टीचर्स डे है, और ये टीचर्स डे हम डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के बर्थ एनिवर्सरी पे मनाते हैं। डॉक्टर राधाकृष्णन जी ये हमारे इंडिया के फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट थे, और बाद में ये प्रेसिडेंट भी बने। और जैसे कि हम सब जानते हैं कि ये बहुत ग्रेट स्कॉलर थे और साथ में टीचर भी थे। इनके सम्मान में हम इनकी बर्थ एनिवर्सरी पे टीचर्स डे मनाते हैं। एक जो टीचर होता है वो हमारी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि पेरेंट्स तो सिर्फ बच्चे को बर्थ देते हैं, बट एक टीचर ही है जो कि हमारे कैरेक्टर को शेप करता है और हमें नॉलेज प्रोवाइड करता है। टीचर के बिना हमारा करियर कुछ नहीं है, एक टीचर ही हमारे करियर को ब्राइट बनाता है। आप क्या समझते हैं कि किस तरह की छवि होनी चाहिए टीचर्स की स्टूडेंट के प्रति? टीचर्स बस अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज दें, जितनी ज़्यादा वो दे सकते हैं, जितना ज़्यादा उनको पता है वो सब कुछ अपने बच्चों को दे दें। और मतलब मैक्सिमम टीचर्स ऐसे ही करते हैं, वो अपने जहाँ इर्द गिर्द की सभी नॉलेज बच्चों को देते हैं और उनको अच्छी सीख प्रोवाइड करते हैं। आपका नाम? आंचरा शर्मा। क्या समझती हैं कि कब मनाया जाता है टीचर्स डे? हर साल 5 सितंबर को मनाया जाता है। ये सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी जो हैं, हमारे प्रेसिडेंट भी रहे हैं, उनकी याद में मनाते हैं। एंड ये एक ट्रिब्यूट है टीचर्स के लिए, वो भी टीचर रहे थे, तो इसके लिए हम हर साल टीचर्स को रिस्पेक्ट देने के लिए, उनका उनके हार्ड वर्क को अप्रिशिएट करने के लिए हम टीचर्स डे हर साल मनाते हैं 5 सितंबर को। देखिए, गुरु जो होता है वो बहुत कुछ सिखाता है अपने स्टूडेंट को, अपने शिष्य को। तो आपने एक महाभारत काल की एक कथा भी सुनी होगी जिसमें किसी ने अंगूठा दान किया था, क्या जानते हैं वो? वो अंगूठा एकलव्य ने दिया था गुरु को। वो गुरु पांडवों के गुरु थे, और पांडव जो थे वो राज दरबार से थे। तो गुरु एकलव्य जो था वो अंदर जा नहीं सकता था गुरु से सीधे सीखने के लिए, तो वो बाहर से ही उनसे सारी योग विद्या सीखता था। तो जब गुरु को पता चला तो उन्होंने ये सोचा कि पांडव जो हैं वो राज दरबार से हैं, तो एकलव्य जो था वो तो सबसे उनसे बेटर था, तो इसलिए कि वो कोई बाद में जब उनका टाइम आएगा कोई ऐसा हो जाए जो पांडवों से भी बेटर है, ऐसा ना हो इसलिए उन्होंने एकलव्य से गुरु दक्षिणा मांगी थी, और उन्होंने दक्षिणा के रूप में अंगूठा मांगा था एकलव्य का, और उन्होंने काट कर दे दिया था। क्या शिक्षा, क्या मॉरल निकलता है इस? कि एक स्टूडेंट जो है उसको अपने टीचर के एफर्ट्स का पूरा ध्यान होना चाहिए, उसको हमेशा अप्रिशिएट करना चाहिए। जो भी हम बनते हैं, टीचिंग एक ऐसा प्रोफेशन है जो हर प्रोफेशन को बनाता है। जो भी प्रोफेशन है वो सब टीचर्स की बदौलत है, तो हमें उनके हार्डवर्क को अप्रिशिएट करना चाहिए, मानना चाहिए, और टीचर के लिए हम खुद जो भी कर सकते हैं हमें खुद करना चाहिए। अध्यापक के प्रति किस तरह का व्यवहार स्टूडेंट का होना चाहिए, शिष्य का होना चाहिए? हमारे साथ छात्राएं जो महिला कॉलेज से हैं, जुड़ी हैं, अपनी अपनी प्रतिक्रिया दे रही हैं, और भी कुछ जानते हैं कि कैसा गुरु होना चाहिए जो शिष्य को किस तरह से ढाले कि उसे आने वाले भविष्य में किस तरह की परिस्थितियों का सामना करना पड़े। क्या आपका नाम? मेरा नाम रागिनी अंडोत्रा है, मैं वुमेन कॉलेज से हूँ। मैं ये बताना चाहती हूँ, टीचर की रिस्पेक्ट हम इसलिए करते हैं क्योंकि हमें वो नॉलेज प्रोवाइड करते हैं। नॉलेज इसलिए प्रोवाइड करते हैं कि इतनी देर से जब वो अपने कॉलेज लाइफ में होते हैं या अपने स्कूल लाइफ में होते हैं, इतनी आगे तक आकर वो टीचिंग प्रोफेशन में आए हैं, उनको एक्सपीरियंस हो चुका है कि वो किस दौरान अपनी लाइफ से आए हैं, और वही एक्सपीरियंस हमें वो शेयर करते हैं। इसी एक्सपीरियंस से ही शेयर करके हम बच्चों को हेल्प मिलती है कि हम अपना फ्यूचर ब्राइट कर सकें। रही बात नॉलेज की, टीचर की नॉलेज भी मस्ट है, बट उसका एक्सपीरियंस जो है जहाँ तक मुझे लगता है वो इम्पोर्टेंट होना चाहिए, ताकि वो अच्छे से हमें शेयर कर सके कि हमें कैसे अपना फ्यूचर अच्छी तरह से पढ़ाई करनी है, कहाँ हमें अपना करियर कहाँ लेकर जाना है, कहाँ नहीं। आप समझते हैं कि आजकल जो कुछ वीडियोस आपने वायरल देखे होंगे कि टीचर कैसे स्टूडेंट के साथ पेश आता है, एक यूपी से वायरल हुआ था वीडियो कि एक छोटे से बच्चे को उन्होंने मार मार के मतलब बुरा हाल कर दिया था, कि उसकी हाजिरी पे एक टीचर का ऐसा बर्ताव अपने स्टूडेंट के प्रति कैसा लगता है? ऐसा बर्ताव बिल्कुल भी अप्रिशिएबल, मतलब ये बर्ताव कहीं, मतलब मेरे को नहीं लगता कि बच्चा को अगर नहीं समझ आ रहा है तो ये वाला बिहेवियर कभी भी टॉलरेट नहीं करना चाहिए, चाहे बच्चा छोटा है या बड़ा है। एक हद तक होता है, लिमिट होती है समझाने की, बट मारकर समझाना इज़ नॉट टॉलरेबल। वो चीज़ इतनी गंदी लगती है, मतलब आप किसी बच्चे को ऐसे समझा रहे हो, और मारकर समझाना और प्यार से समझाना दोनों बातों में डिफरेंस है।
तो ये सब समझाना टीचर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कैसा समझाना चाहता है। आप मारकर समझाओगे वो नहीं समझेगा, वो किसी और काम में वो सोचेगा कि इस काम से निकल जाते हैं। तो उसको पढ़ाई से प्यार कराने के लिए उसको प्यार से ही समझाना अच्छी बात है। क्या संदेश देना चाहेंगे इस अवसर पर आप उन अध्यापकों को जो शिष्य के प्रति इस तरह की घृणा भावना रखते हैं? मैं ये चाहती हूँ कि टीचर्स टीचर्स होते हैं, टीचर्स हमसे बड़े होते हैं, हम उनको रिस्पेक्ट करनी चाहिए, बट उनके हमारे साथ एक फ्रेंडली रिलेशन बनाना चाहिए ताकि हम अच्छे से उनके साथ पढ़ सकें और अपना हेल्प ले सकें उनसे। हर छात्रा ने अपने अपने विचार रखे हैं अध्यापक के प्रति, और भी छात्राएं हमारे साथ जुड़ी हैं, उनसे जानते हैं कि वो इस अवसर पे क्या कहना चाहती हैं। जब मैं स्कूल में थी तो मेरे टीचर ने, जब वो स्टेज में अपना लेक्चर देते थे, बच्चों को समझाते थे, तो मुझे आज भी उनके कही हुई बात याद है। उन्होंने जब एक बात कही थी हम सब बच्चों से कि आप कभी भी अगर किसी की और उंगली उठा के बात करते हो तो आपकी अगर एक उंगली उसकी और उठती है तो आपकी तीन उंगली आपकी और इशारा करती हैं कि उसको, आप उसको बोलने से पहले तुम अपनी ओर देखो कि तुम खुद क्या हो। इसीलिए वो बात मुझे आज तक याद है, क्योंकि वो इतनी अच्छी बात उन्होंने कही थी कि किसी को भी बुरा बोलने से पहले आप अपनी ओर देखो कि आप खुद क्या हो। आप किसी और को गलत बोल रहे हो, अगर आप उसमें ये खामियाँ निकाल रहे हो, क्या आप में वो नहीं है? क्या आप में वो पूरी हैं? आप वो जो वो गलत कर रहा है कि आपने सही किया है? बस किसी को बुरा बोलने से पहले अपनी ओर देखो कि आप सही हो, तो फिर दूसरे को गलत बोलो। अगर आप गलत हो तो आपका कोई हक नहीं बनता कि किसी को आप गलत बोलो। मेरा नाम पारिका है और मैं वुमेन कॉलेज से हूँ, और मेरे को लगता है कि हर एक टीचर को, हर एक बच्चे को अलग अलग तरीके से देखना चाहिए। कोई बच्चा अच्छे से मतलब कि कैरी कर लेता है हर एक चीज़ को, और कोई बच्चा उस चीज़ को लेट कैरी करता है। तो मतलब कि टीचर को उसी हिसाब से हर एक बच्चे को मतलब कि उसके अकॉर्डिंगली बच्चे को मैनेज करना चाहिए कि हाँ ये अच्छे तरीके से पढ़ता तो मैं इसको थोड़ा अच्छा और अच्छे से उसको करूँ कि ये अच्छे से पढ़ सके। तो इसलिए मेरे को लगता है कि टीचर को होना चाहिए कि वो उसको मतलब कि सेपरेटरी टाइम दे, एक जो मतलब कि बच्चा लेट समझता है तो उसको देखना चाहिए कि हाँ मैं इसको भी अच्छे से समझाऊँ, इसको भी मतलब कि वो करूँ। तो टीचर को मतलब कि सेपरेटली उसको टाइम देना चाहिए कि हाँ मैं इसको अच्छे से समझाऊँ, और टीचर को मतलब कि एक बच्चे की अच्छे से रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए कि हर बच्चा जो है वो अच्छे से पढ़ सके। और अगर मतलब कि एक टीचर जो है वो अगर 60% एफर्ट लगाता है तो मतलब कि बच्चा भी काफ़ी अच्छे से उसको देगा कि हाँ मैं भी करूं। अगर मतलब कि टीचर ही नहीं मतलब कि ज़्यादा अच्छे से एफर्ट लगाएगा अपने, तो फिर बच्चा भी वैसे ही करता है। मेरा नाम रीमा देवी है, मैं वुमेन कॉलेज से हूँ, कठुआ से। और मेरा एक्सपीरियंस ये है कि जब मैं छोटी थी, 6th class में पढ़ती थी, तब जब कॉलेज स्कूल में स्टेज पे बुलाते हैं बोलने के लिए, तो सर ने एक दिन मुझे कहा था कि आपने कल वो टॉपिक बोलना है। तो मैं बड़ा डरती थी स्टेज पे जाने के लिए, तो सर ने, उस दिन मैं गई तो मेरे से बोला नहीं गया। फिर सर ने मेरे को सपोर्ट किया कि नहीं बच्चे ऐसे बोलना चाहिए, डरना नहीं चाहिए, आपका कॉन्फिडेंस लेवल है जो वो इंक्रीज़ करता है। तो तब से मेरा थोड़ा वो कॉन्फिडेंस लेवल इंक्रीज़ हुआ है। हमारी बात कई छात्राओं से हुई है अध्यापक दिवस के अवसर पर, कई ने अपने अनुभव साझा करे हैं कि बेहतर निर्माण जो है भविष्य का वो एक गुरु ही कर सकता है। गुरुर ब्रह्मा, गुरुर विष्णु, गुरुर महेश्वरा, ये एक पंक्ति एक ऐसी है जो मानव के जीवन में कैसे डाली जाती है गुरु द्वारा, कि जो मेरा स्टूडेंट है, मेरा शिष्य है, जो मेरा चेला है, एक भविष्य में बेहतर निर्माण करे, आने वाली पीढ़ियों को भी उसी तरह से समझाए जिस तरह से गुरु उनको समझाता है। महिला डिग्री कॉलेज से मोहन शर्मा, अलर्ट इंडिया न्यूज़, ब्यूरो रिपोर्ट।